नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस खास खबर पर एक नजर। झांसी सदर विधानसभा से आज कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी राहुल रिछारिया ने अपने समर्थकों और प्रस्तावक के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के समय पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य तथा पूर्व विधायक ब्रजेंद्र व्यास भी मौजूद रहे। नामांकन भर के आए हैं, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए, झांसी में वर्तमान आधुनिक युग में और स्मार्ट सिटी के नाम पर जिस तरीके का ठगा जा रहा है, जिस तरह का यहाँ पे चालबाजी हो रही है और जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, इस मुद्दे को लेके जाएगा। क्योंकि ये बात मैं इतने दम से इसलिए कह रहा हूँ, आप देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि एक तरफ आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, दूसरी तरफ गर्मियों के वक्त में हमने पेयजल के लिए, पानी के लिए अपनी कई माताएं, कई बहनों को और अपने युवा साथी को खोया है सिर्फ पीने की पानी की लड़ाई में। कितनी बड़ी विडंबना है कि आज भी झांसी के अंदर लकड़ी की बल्ली पर बिजली के तार जा रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है कि 424 पोलिंग बूथ के अंदर कई जगह जहां पर बिजली के खम्भे नहीं है, लोगों को बिजली नहीं मुहैया हो रही है। और आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, जो हमारा अपना शहर है जहाँ पर हजारों लाखों की आबादी में व्यापारी रहता है, वहाँ पर वो धरना प्रदर्शन दे रहा है कचड़े के लिए। तो ये जो बुनियादी समस्याएं है मेरे हमारे अपने झांसी की, जो झांसी की पहचान है संस्कृति की, भाईचारे की, अपनेपन की, आप देखिए आप झांसी रानी से उसका नाम झांसी छीन रहे हो। रानी के बिना झांसी, झांसी के बिना रानी, ये जो इस तरीके की गलतियाँ हो रही हैं इसको लेकर मैं लड़ूंगा। और झांसी के अंदर बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं टूरिज्म की और पर्यटन के उद्योग की, इस पर मैं संघर्ष करूंगा। झांसी में युवाओं का जो पलायन हो रहा है मजदूरों के लिए, जॉब के लिए, उस पलायन को रोकने के लिए जिस तरह से पूर्व में 32 वर्ष पहले हमारी सरकार थी, हमने मेडिकल कॉलेज, BHEL, पारीछा, राजगढ़ डैम, ग्रास लैंड, आकाशवाणी, यूनिवर्सिटी चार कमरों में आवास विकास पर चलती थी। ये जो आप देख रहे हो इतना बड़ा कैंपस बनाया गया है, ये सब कांग्रेस के समय की है। अभी हाल ही में झांसी की सम्मानित जनता ने हमारे मंत्री जी को आशीर्वाद दिया था, तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये लेकर आए 500 बेड से। COVID-19 में जिस मेडिकल कॉलेज ने हमें संजीवनी दी, जो थोड़ा बहुत इन्होंने तो हर जगह फेलियर रखा। और कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि COVID-19 समाप्त होते ये कहते हैं कि किसी की भी हमने किसी को भी ऑक्सीजन के कारण, रेमडेसिविर के कारण नहीं खोया है, और बस जैसे ही हुआ अपना शिलान्यास करने लगे। तो ये सब चीज़ें जो ये कर रहे हैं, लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार मैंने देखा है हिंदुस्तान के अंदर कि सरकार अपनी उपलब्धियाँ, अपनी कामयाबी के बिना सिर्फ 70 वर्ष पहले क्या हुआ इस पर चुनाव लड़ रही है। तो ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं झांसी के लिए वो हर संभव और हर संघर्षपूर्ण प्रयास करूंगा जिसकी हकदार झांसी। तो वहीं कांग्रेस में पिछले लंबे समय से उपेक्षाओं से तंग आकर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने आज इस्तीफा दे दिया है। यह जानकारी एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से अरविंद वशिष्ठ ने दी। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से टीम नवोदय प्लस टाइम्स। पार्टी में मुझसे 30 जुलाई को स्पष्ट रूप से व्हाट्सएप कॉल पर राज्य के सचिव प्रदीप नरवाड़ जी ने कहा था कि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी चाहती हैं कि आप चुनाव लड़ें। उसको लेकर मैंने तैयारी पूरी जोर शोर से की। आप लोग सभी इस बात के साक्षी हैं। मैंने झांसी में हर घर में, हर व्यक्ति के मन में अपना स्थान बनाया, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे ठेला चलाने वाला हो, हर वर्ग में अपना स्थान बनाया। और उसके बाद पार्टी लगातार कहती रही आपके अलावा समझें, आपके अलावा समझें। आप लोगों से भी जब आपने पूछा होगा तो यही उत्तर मिलता रहा कि अरविंद वशिष्ठ झांसी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ठीक है, उन्होंने हमारा टिकट काटा और हमारे लोग जब यहाँ पर मिलने आए, आज सचिव इसी होटल में रुके हुए थे, उनको सारे शहर के गणमान्य नागरिक, हमारे गणमान्य पदाधिकारी, हमारे पार्टी के वार्ड अध्यक्ष, शहर कमेटी के हमारे पदाधिकारी, सबकी उपेक्षा करते हुए हमारे राष्ट्रीय सचिव आगे से निकल गए। उनसे मिले तक नहीं कह दिया हम उनसे मिलना नहीं चाहते। क्यों मिलना नहीं चाहते भाई? जनभावना को आप क्यों सुनना नहीं चाहते? इनका क्या कोई सम्मान नहीं है? इनकी दम पे पार्टी है, आपकी दम पर पार्टी नहीं है। यदि आप इनका सम्मान नहीं कर सकते, किसी का सम्मान नहीं कर सकते। इनके सम्मान की खातिर आज हम पार्टी से त्याग नहीं उठाते हैं। सूत्रों से पता लगा है कि आपने जो है समाजवादी पार्टी में जाना चाहते हैं। नहीं, हम किसी में नहीं आना चाहते।
ये हमारे लोग तय करेंगे कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं इनकी वजह से हमें आज हमारे साथ ये खड़े, इसलिए हमारी ताकत दिख रही है। आज हमारे साथ 45 वार्ड अध्यक्ष, उनकी कमेटी और हमारे शहर की कमेटी, प्रदेश के नेतृत्व, सारे लोग हमारे साथ आइडियोलॉजी तो कुछ होगी आपकी, समाजवाद की, आपकी समाजवाद है या राष्ट्रवाद है या परिवारवाद है? ये हमारा, देखिए अब हम आज न्यूट्रल विचारधारा में है, हमें जो अच्छा लगेगा हम वो निर्णय हम इनके कहने पे लेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबर के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।